भूत प्रेत ऐसी चीज हैं जिनके बारे में जो जानता है वह अगर बताए तो जो विश्वास नहीं करते, मानते नहीं, वो कई बार विश्वास नहीं करते, पर जिनके ऊपर गुजरी हो वो अगर बताएं तो क्या। आज मैं एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसमें मैंने साक्षात कुछ देखा था। अब आप कयास लगा लीजिए वह क्या रहा होगा। बात 2 वर्ष पहले गर्मियों की है। मैं और मेरे भाई राजेश, हम दोनों गांव गए हुए थे। हमारा गांव गोरखपुर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी कारणवश हम शहर गए हुए थे। शहर से जब गांव लौटने लगे तो शाम हो गई, शाम के 7 बज गया और अंधेरा हो गया। तो हमने सोचा था चलो उतरेंगे, उतरने के बाद कोई ऑटो रिक्शा वगैरह करके गाँव चले जाएंगे। मुख्य सड़क से गाँव की दूरी लगभग 3.5 या 4 किलोमीटर की है। मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने के लिए एक बांध सा बना हुआ है। हर साल वहां बाढ़ आती है तो बांध बना हुआ और बांध से होकर के जाना पड़ता है। तो हमने सोचा बांध पे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। सवारी की प्रतीक्षा में 2-4-10 मिनट हम खड़े रहे, फिर बाद में हम पैदल चलना शुरू कर दिए। दोनों थे, बात करते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमने देखा सामने से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। तो हमने सोचा ऑटो रिक्शा को हाथ दिखाते हैं, ऑटो रिक्शा वाला रोक देगा, हम उस पर चढ़ जाएंगे, वापस लेके हमें गांव तक छोड़ आएगा। ऑटो रिक्शा हमारे सामने से ऐसे आता है, लाइट जल रही थी, और ऑटो रिक्शा निकल गया, रुका नहीं। तो हमने सोचा शायद आगे जाके रोके। हम दोनों भाई मुड़ के देखने लगे तो जैसे ही हम मुड़े हमें ऐसा लगा जैसे हमारे कंधे पर ऐसे एक बैग था, कोई लंबी सी छाया पड़ रही थी और वो ऐसे ऐसे ऑटो रिक्शा के पीछे चल रहा था। उस छाया को देखकर मैंने भाई से कहा देखो ऑटो रिक्शे का लाइट हमारे ऊपर पड़ रहा है और उसके कारण हमारी छाया कितनी लंबी दिख रही है। लेकिन वो छाया अकेली दिख रही थी, दो छाया नहीं, हम दो भाई थे। फिर राजेश ने कहा कि नहीं छाया तो पड़ रही है, सही बात है, लेकिन ऑटो रिक्शा तो हमारे पीछे है और लाइट जो उसके हेडलाइट की लाइट है वो तो पीछे की ओर है, हमारे आगे से जब कोई लाइट आएगी तभी तो हमारी छाया ऑटो रिक्शा पे पड़ेगी। हैरानी की बात थी। हमने पीछे मुड़ के एक बार और देखा, फिर से हमारी आकृति जैसा कोई ऐसे ऐसे चलता हुआ जा रहा था। हम फिर हैरान हुए, हम पीछे मुड़े और हम और बातें करते हुए चल पड़े। अब हम दोनों भाई यह कयास लगाने लगे कि वह छाया भूत थी, प्रेत थी या क्या थी। फिर आपस में चर्चा होने लगी, शास्त्रों पर चर्चा होने लगी। तो राजेश ने मुझे बताया कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि उनके आसपास कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं वो दिखने लगती हैं, या फिर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इस तरह की छाया रूप में जो भी शक्ति है उन शक्तियों को देखती है और उनको अपने से दूर रखती है। फिर और चर्चा चली कि कोई जनेऊधारी है या फिर कोई गीता का पाठ करता है, ऐसे लोगों के पास भूत प्रेत नहीं आते। खैर चर्चा करते हुए हम अपनी यात्रा पूरी करके गाँव पहुँचे। रहा तो नहीं जा रहा था तो हमने वहाँ लोगों से चर्चा किया कि आज ऐसी ऐसी हमने घटना देखी। अब हमारा बोलना था कि पूरा गांव हमारे ऊपर गुस्सा कर उठा, चिल्ला पड़ा, बोला ये ऐसी सड़क है जिसमें अंधेरा होने के बाद पैदल आने की कोई हिम्मत नहीं करता। अक्सर यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती है, कोई भूत प्रेत या ऐसा कुछ वहाँ से गुजरने वाले लोगों को मार देती है, हैरान करती, जो कुछ करती है। सिर्फ मेरे ससुर जी थे वो इन सब बातों को नहीं मानते थे, उन्होंने उन्हें नकारा। लेकिन गांव वालों ने जिस तरह मुझे बताया मुझे लगा कि नहीं वाकई भूत प्रेत होता है। आपको क्या लगता है, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें कि वो जो छाया अंधेरी काली रात में हमारे पीछे पड़ रही थी, ऑटो रिक्शा ही पीछे पड़ रहा था, सच्चाई क्या थी। अगर आपको यकीन है तो हमारे साथ जुड़े रहें, आगे और भी ऐसी कहानी और आप बीती लेकर के आपके पास फिर आऊंगा नई कहानी नए अनुभव के साथ। हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ अनुभव ऐसा रहा है तो आप हमें संदेश भेजिए, हम आपके नाम के साथ उस कहानी का रूपांतरण या उस कहानी को अपनी जुबान से कहते हुए मैं लोगों को बताने का प्रयास करूंगा।